ये सब आपकी तबीयत भी नासाज है, क्या कहेंगे आप? अभी भी उसी तरह ही है। देखिए मैं ये जो कपड़े मैंने पहने हुए ना, ये 7 दिन से इसी को धो धो के इनको बना रहा हूँ। और देखने वाली बात ये है कि ना कोई दवाई है, ना डॉक्टर है, ना डॉक्टर ना दवाई। बात करने दो, क्या हो गया? तो मैं उधर जा रही जाए साहब से बात कर, इधर से। और ना कोई दवाई है, ना कोई चीज दे रहे हैं, और ना कोई अंदर बिजली का है, हर वक्त बंद रहती है। और मुझे तो मैं तो यकीन करें कि ये तो मुझे कोई इंडिया का सेल लगता है, और कसूर क्या है? आम नॉर्मल केस ही नहीं है कोई। और कहते हैं जी बी क्लास, कोई नहीं मान, नहीं मानते हम, नहीं मानते। तो साहब उसमें आप ये बताएं, ये भी खबर चली थी कि वो सेल जो है वो 6x6 का है, मतलब जैसे दहशतगर्दों को अंदर रखा है। सिर्फ टांगे मैं टेढ़ी करके सुनता हूँ। तो आपको जो इलाज के लिए पीएचसी लेके गए थे, वहाँ पर भी आपको वहाँ फौरी ले आया गया, इलाज भी मुकम्मल नहीं करने दिया वहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि इनके बकाया 50% टेस्ट होने हैं, और क्योंकि इनके पांव सूजे हुए हैं, वो खास कंडीशन मानते हैं, और गर्मी और हीट की वजह से इनके मेदे पे असर है, और मेदा भी इनका खराब है। वो जेल की इनको सूरती का रही रोटी इनके लिए वो घी के बगैर चाहिए। भाई आप चुप करो, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, ये वजह? देखिए वजह का इनको पता होगा, लेकिन ये कोई इंसानियत तो होनी चाहिए ना। वजह कुछ भी हो, लेकिन बात तो इंसानियत की है ना। तो मैंने तो कभी किसी से बुरा सलूक ही नहीं किया अपने दौर में। एज ए चीफ मिनिस्टर भी मैंने लोगों की खिदमत की है, मैंने 112 जैसे अदारे किया, मैंने हर एक की खिदमत की है, मैंने किसी को दुश्मन नहीं बनाया, ना समझा। तो सब खानदान से मिलने, लेकिन दुख ये है कि उसका सिला ये दे रहे हैं, ये सब खानदान से मुलाकात करने दे रहे हैं। मैं पहली दफा आपको देखा 10 दिन बाद यहाँ अदालत में, लोगों को देखने की बात करते हैं आप। मैं उस सेल से बाहर ही निकल सकता। मुझे तकरीबन 10 दिन बाद मैंने आप लोगों की शक्ल देखी है, और 10 दिन में मुझे कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और बिल्कुल छोटा सा सेल है, ना वहाँ बिजली है, ना सही तौर पर खाना जेल का दे रहे हैं, और सख्त मेरे पाँव अभी भी छूटे हुए हैं। और कार्डियोलॉजी जब मैं गया हूँ तो वहाँ इन्होंने मैक्सिमम थोड़े टाइम में मुझे निकाल लिया, और वहाँ से थोड़ा है, और बिल्कुल ना इलाज करने दे रहे हैं, ना मुलाकातें करने दे रहे हैं, घर वालों से भी मुलाकात मानते हैं। और दूसरा जो है ना, कोर्ट में भी मैंने अप्लाई किया हुआ है, बी क्लास भी नहीं पक्का हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कि मेरा राइट है, ये अच्छा। फिर केस क्या है? सिर्फ एंटी करप्शन केस है, कौन सा कोई ऐसा हुआ? मैं उसी बात और दाल वालों से भी मुलाकात पा। अच्छा चोई साहब, ये जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हो रहा है, कोई आप भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीए की छोड़ने का इरादा? यार मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे ना मीडिया से। पहली दफ़ा आपको मैं मिल रहा हूँ, वो भी मैं इस अदालत में आया हूँ एक रिमांड की। मैं उस वजह से मैं यहाँ भी आपको देख रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, यहाँ भी बात भी कर लेते हैं। तो शोशा भाई को ने तो ऑर्डर किया हुआ है कि बाकायदा क्लास